हम लीफ फील्ड बनाने जा रहे हैं जिसमें 6 पत्तियां रहेगी इस तरीके से। उसके लिए पहले हमने मैंगो के 6 धागे निकाले, 6 6 के 3 धागे निकाले, ये एक, ये दूसरा। तो पहले हम 2 धागे को लेंगे और हमारा फरमे इतना हम इतना इतना हम धागा पहले ही छोड़ देंगे, थोड़ा ज़्यादा क्योंकि गठान में हमारा बैंड छोटा होता है इसलिए इतना ज़्यादा का छोड़ देना। और फिर यहाँ पे हाथ लेना और जो हमने तीसरा 6 का धागा निकाले थे उस 6 धागे को हम मोड़ मोड़ देंगे और यहाँ से इस तरीके से हम गठान कर देंगे। हमें एकदम हल्का गठान करना है ताकि बाद में हम इसको खोल पाए। ये हमने 6 6 के धागे अलग अलग कर दिए इस तरीके से। हम यहाँ पे सुई लगा देंगे। उसके बाद में ये जो पहले वाला धागा है इसे हम इस तरीके से लेंगे और हम इसको ऐसे क्रॉस में रखेंगे इस तरीके से, और उसके नीचे वाला धागे से लेकर हम इसकी पाइपिंग करेंगे इस तरीके। इसे हमें 2 बार पाइपिंग करना है, ये 2। फिर इसके बाद वाला धागा लेंगे, उसे भी हमें सेम। और हमें ये वाला धागा इस तरीके से रखना है, हमें ना तो इसको ऐसे नीचे रखना है ना ही ऊपर रखना है, क्योंकि आप जिस तरीके से इसे रखोगे वैसे ही अपनी डिज़ाइन भागेगी। इसलिए हमें पत्ती चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से हमें पत्ती चाहिए, इसलिए हम अपना ये जो धागा हम इस तरीके से ही पकड़ेंगे तो ही जाके वो बराबर शेप में आएगा। ये हो गया, नहीं वो धागे निकालेंगे उसे, गठान को निकालेंगे। तो ये हो गया 3। उसके बाद में हम एक और मैंगो का 6 का धागा निकालेंगे। हम इस तरीके से फंसाएंगे, हम ये जो धागा है ये धागा इसको हम इस तरीके से अंदर से डाल के एक बार जैसे रिंग फंसाते उस तरीके से करेंगे, एक तरफ से और एक तरफ इधर से। इसमें एक और धागा ऐड किया है, इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे, ऐसे लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। हाँ 10 7 होगा, इसमें 5 ही इस तरीके से पैकिंग किया। फिर ये जो एक धागा है हमारा ऊपर का हम इसे छोड़ देंगे, और ये भी धागे को, और ये जो ऊपर वाला धागा है इसमें हम काला धागा फंसाएंगे। तो हमने 6 का काला धागा निकाले, इसके हम 4 टुकड़े करेंगे। इस तरीके से मोड़ेंगे और ये एक धागा हमें छोड़ना है और ये दूसरे धागे में हमें इस तरीके से इसे फंसाना है। फिर इसे हम अलग अलग करेंगे और फिर एक एक पत्ती एक एक धागे को हम लेके इस तरीके से पाइपिंग करेंगे। Thank you.
यहाँ पे हमें एक धागे को छोड़ना है, जब हमारी आखिरी वाला धागा ये तो हमें छोड़ना है, एक ऊपर से और एक नीचे से एक एक धागा हमें छोड़ना है। और ये ब्लैक वाला भी इस साइड का छोड़ देना, ये दूसरे तरफ का लेना। फिर ये जो ऊपर वाला धागा जो हमने छोड़ा था, हम इससे ये सारे मैंगो धागे की पाइपिंग करेंगे। तो हमें इसको इस तरीके से रखते हैं, उनके हाथ से पैकिंग करना है। फिर ये दो धागे को लेके हमें इसे पैक कर देना है। इस तरीके से ये बन गई हमारी एक पत्ती। अब इस धागे को हमें ऐसे स्ट्रेट पूरे सीधे रखने हैं। उसके बाद हमें इस धागे को छोड़ना है और इसके बाद वाला जो दूसरा वाला धागा है हमें इसको ऐसे तिरछा रखना है। हमें इसको ना तो ऐसे ऊपर रखना है ना ही नीचे रखना, क्योंकि आप जितना नीचे रखोगे उतनी गैप आएगी, इसलिए बराबर हमें इतना ही रखना है इस तरीके से ट्रायंगल शेप में, और हल्का सा ऊपर ही इस तरीके से हमें रखना है। इसका ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इस धागे को ऐसे पकड़ के और फिर इसके नीचे वाले धागे से हमें पाइपिंग करना है। मैंने यहाँ पे सुई लगा दी क्योंकि मेरी डिज़ाइन भाग रही थी, इसलिए बस इसका ध्यान रखना आप लोग कि इसी पे पूरी राखी निर्भर करती है। इसे हमें इस तरीके से ही तिरछा रखना है। और ये जो लाइन है यहाँ से भी सीधी आनी चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आप हल्का सा ऐसे भी घुमा के कर सकते हो ताकि वो इकट्ठा ना हो धागा। ये हो गया। इसके बाद में ये जो दूसरा वाला है, जहाँ से हम यहाँ से बना रहे थे तो हमने किसी दूसरे धागे में हमने काला वाला धागा फंसाया था, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे काला धागा फंसाना है इस वाले धागे में। तो जो हमने काले धागे के चार, तो हमने यहाँ पे फिर से काला धागा फंसाया। इसे हमें इस धागे को ऊपर रखना है और इसको नीचे से डालना है। तो पहले हमें ये लेना पड़ेगा, पहले हमें ये धागे निकालने पड़ेंगे और फिर इसको नीचे से डालना है। ऐसे पहले वाला धागा ऐसे नीचे से लेके हमें पैकिंग करना है।
तो हमें ऐसे एक एक धागे को लेके पाइपिंग करना है। नीचे वाला एक ही लेने वाला ये वाले धागे में जो आखिरी धागा अपना जो सेकेंड लास्ट बचेगा उसमें एक लेना है। ये धागा तो आखिर में पैक करने के लिए रखा है, पर अब ये लास्ट वाला धागा है इसमें हमें एक पाइपिंग करना है। फर्स्ट वाला लेके इधर वाला कभी भी हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है, ये धागा दब जाए इसलिए इधर इधर का धागा उसके बाद वाला धागा लेना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम ये धागे को लेंगे, इसे ऐसे रख के और इसके नीचे से लेकर हम पाइपिंग कर लेंगे। पैक कर देंगे। इस तरीके से ऐसे ही हमें और चार पत्ती बनानी है, तो हमें पूरी छह पत्ती बनानी है। आपको फिर से जैसे हमने ऊपर से ये धागा कैसे लिए थे, फिर हमने फंसाया, फिर हमने इधर से लिया, सेम वैसे ही हम ये चारों पत्ती में करेंगे। फिर से हम इस धागे को इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने ऊपर रखा था, पर हमें ध्यान रखना ये ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसे हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ से हमें ज़्यादा गैप नहीं छूना है, हमें एक के बाद एक नीचे आना है, हमें एक सिर दूसरे सिर तीसरे सिर फिर ऐसे छोटे से बड़े तक के जाना है, तो हमें इस तरीके से करना है। फिर से हम ये वाला धागा लेंगे, फिर से इस तरीके से पाइपिंग करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये दो पत्ती बन गई है, जब तीसरी पत्ती हम बनाएंगे तो हमें ये पहला वाला धागा छोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा था वैसे हमें यहाँ पे भी ये वाला धागा छोड़ना है और दूसरे धागे से हमें पाइपिंग करनी है इस तरीके से। हर बार जब भी आप पाइपिंग चालू करेंगे उसके पहले वाला धागा छोड़ देना है। और हम फिर से ये जो हमने छोड़ा था उसके बाद ये जो एक धागा है फिर से हम यहाँ से धागा फंसाएंगे काला वाला। इस तरीके से हम पाइपिंग करेंगे जैसे हमने यहाँ की पाइपिंग की, यहाँ की वैसे हम ऐसे करते करते ये जो आखिरी वाला यहाँ पे आएगा हमें यहाँ पे एक ही पाइपिंग करनी है। पॉज करते हैं, स्टार्ट। उसके बाद फिर से ये धागा लेके हमें पैक कर देना है, एक धागा लेकर।
उसके बाद फिर से ये एक धागा छोड़ देना है और इस धागे से लेके हम इस तरीके से फिर से सारे धागे को पाइपिंग कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे काला धागा डालेंगे, फिर से पाइपिंग करेंगे, फिर हम इधर से करेंगे। तो ऐसे जैसे हमने ये तीन पत्ती बनाए वैसे हमें यहाँ की तीन पत्ती बनानी है। ये हमारी छठी पत्ती है जिसे हम अभी पैक करेंगे इसी तरीके से ही। इसे हम पैक कर देंगे तरीके से। इसके बाद हम ये जो दो धागे हैं इसे गठान कर देंगे। हम यहाँ पे ये हमारे पास में दो धागा था और ये भी धागा हमें गठान में लेना था। हम ये तीन धागे से गठान करेंगे और यहाँ पे भी पहले से ही तीन धागा है। ना कि यूट्यूब पे मत डालना सर। इसके बाद ये तीन धागे हैं जो कि दो से हमने पैक किया और ये तीसरा धागा ले लेना उसके पास वाला, उससे हम गठान करेंगे। सेम गठान हम इस तरफ भी करेंगे। ये जो छोटा जो हमने ये इसमें डाला था आधा, इसको हम छोड़ देंगे। ये पहले से ही तीन धागे हैं। फिर किसी से टाइट कर लेंगे दोनों गठान को और फिर उसके बाद में ये जो मैंगो का इस साइड धागा इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम एकदम पास से कट कर देंगे इसे। इसके बाद में इस धागों को भी हम कट कर देंगे पर थोड़ा दूर से। ये सारे काले धागे हमें इस तरफ खींच के काटना है क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे काटेंगे तो आगे आते हैं, इसलिए इस तरफ पीछे की ओर खींच के हमें काटना है। फिर हम इसे चिपका लेंगे पीछे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें फरमे के अनुसार इतना इतना लंबा धागा छोड़ना है